अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करेंगे जो जनरली लोगों के अंदर रहता है। बेटनोवेट के अंदर तीन क्रीम आती हैं, सी, जीएम और एन। इनको किन केसेस में यूज करना है हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं बेटनोवेट सी क्रीम और जीएम क्रीम को किन केसेस में यूज करना है, ताकि आप इन क्रीम्स को सही केसेस में और सही टाइम पर यूज कर पाएं। तो चलिए पहले बेटनोवेट सी के बारे में जानते हैं। अगर आप देखें इन दोनों क्रीम के अंदर डिफरेंस है एक ही केमिकल का, जो कि है इसके अंदर सी के अंदर है क्लियोक्विनोल और जीएम के अंदर है जेंटामाइसिन और मिकोनाजोल। तो यहां पर सी के अंदर जो क्लियोक्विनोल है, यहां इंटरनेट के ऊपर देखिए, ये एक एंटी फंगल ड्रग है। दैट मीन्स कि जो सी क्रीम है बेटनोवेट सी, ये फंगल इन्फेक्शंस के लिए होगी। और फंगल इन्फेक्शंस मैं आपको दिखा देता हूं। फंगल इन्फेक्शंस यहां पर देखिए, ये होती हैं रिंग टाइप की इन्फेक्शंस। आपने कभी एक क्रीम के बारे में देखा होगा रिंग गार्ड, बहुत छोटे थे तब से, आज से 15-20 साल पहले से ऐड आ रही है रिंग गार्ड क्रीम की। तो रिंग गार्ड क्रीम में रिंग का मतलब है रिंग शेप की इन्फेक्शंस, जैसे यहां पर ये इन्फेक्शंस है। तो जो काम रिंग गार्ड क्रीम करती है, वही काम आपका ये बेटनोवेट सी क्रीम कर सकती है। तो जब भी रिंग प्रॉब्लम्स हो या फंगस प्रॉब्लम्स हो, फंगल प्रॉब्लम के लिए आप बेटनोवेट सी का यूज करें। अब बात करते हैं जीएम क्रीम के बारे में। देखिए यहां पर जो क्लियोक्विनोल का काम है, वही काम आपको यहां पर मिकोनाजोल का मिलेगा। मिकोनाजोल भी एक एंटी फंगल ड्रग है, इसलिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं मिकोनाजोल के बारे में। देखिए मिकोनाजोल इट्स एन एंटी फंगल ड्रग, और जो पहला केमिकल है जेंटामाइसिन, ये है आपका एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक है, ये है एंटी फंगल। तो जो काम बेटनोवेट सी करती है, उन कामों के लिए अगर आपके घर में बेटनोवेट एन है तो आप उसका बेटनोवेट जीएम है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन यूज, जो इसका ज्यादा यूज है, वो लेडीज की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स, लेडीज की यीस्ट इन्फेक्शंस के लिए या स्किन की यीस्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज इसको ज्यादा किया जाता है, या लेडीज के वजाइना में जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ की पर्सनल, तो उनके केसेस में जीएम के क्रीम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। वैसे अगर आप इसको कभी ना कभी कुछ बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करना चाहें, क्योंकि ये जेंटामाइसिन एंटीबैक्टीरियल है और एंटीबायोटिक है, और मिकोनाजोल एंटीफंगल है, तो फंगस और ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम इसको लेडीज़ यूज़ करती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फंगल प्रॉब्लम्स पहले भी दिखाई थी, ये देखिए ये जो रिंग शेप्स की इन्फेक्शंस हैं, यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेटनोवेट जीएम को। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में आपको दिखा देता हूं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फंगल इन्फेक्शन से थोड़ी अलग होती हैं। यहां पर देखिए ये इस तरह से पानी जब स्किन के अंदर कहीं भर जाए, छोटे छोटे दाने हो जाएं, या कुछ आपका कोई जानवर आपको लड़ जाए और कुछ ऐसे रेड रेड ब्रिक 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 भी डॉट्स हो जाएं, या इस तरह से इन्फेक्शंस, तो ये सारी इन्फेक्शंस आपकी एंटीबैक्टीरियल ड्रग से सही हो जाएंगी, जो कि जीएम के अंदर जेंटामाइसिन है। तो ये दोनों क्रीम्स का जो यूज़ है, इन केसेस में आपको करना है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।